के शासकीय उचित मूल्य की दुकान में हितग्राहियों को दुकान संचालक के द्वारा कम राशन देने पर वार्ड वासियों के द्वारा दुकान का घेराव कर नारेबाजी की गई। लोग दुकान संचालक को हटाने की मांग कर रहे थे। नगर निगम के वार्ड क्रमांक 9 और 32 में संचालित शासकीय उचित मूल्य की दुकान में राशन लेने पहुंचे हितग्राहियों को कार्ड के मुताबिक कम राशन वितरित किया जा रहा था, जबकि कोरोना लॉकडाउन में राज्य सरकारों ने कार्डधारियों और बगैर कार्डधारियों को निर्धारित मात्रा में राशन उपलब्ध कराए जाने के आदेश जारी कर दिए हैं। कुछ दिन पहले आए खाद्य मंत्री अमरजीत सिंह भगत ने भी शिकायत पर मनमानी करने वाले दुकान संचालकों को हटाने की बात कही थी, लेकिन आज तक नतीजा जस का तस है। उनको 35 किलो मिलना था, देखिए उसको 35 किलो 50 किलो होना चाहिए चावल। शिकायत कहेगी आप लोग? हम लोग को ऐसा लेडीज और ऐसा सोसाइटी वाली नहीं चाहिए, हम लोग को दूसरा चाहिए। कौन सा सोसाइटी, नंबर बताइए। ये 39 वाला होता है 50 किलो, उसको 40 किलो दिया जा रहा था, और बाकी लोग 15 किलो कम दे रहे हैं। क्या क्यों कम दिया जा रहा है? कम दिया जा रहा है, अभी 10 तारीख के बाद सबको ज्यादा दे रहे हैं। क्यों? अभी पता नहीं, सोसाइटी वाले बताएंगे। तो मेरे द्वारा सुबह उनको लेकर के आया गया तो वाकई में देखा गया कि लगभग 100 राशन कार्डधारी ऐसे हैं जिनको प्रत्येक आदमी को किसी को 20 किलो कम है, किसी को 10 किलो कम है, किसी को 50-50 किलो तक कम है। तो इसकी शिकायत मुझे मेरे द्वारा उच्च अधिकारी को दी गई, जिसमें कलेक्टर महोदय से भी बात हुई, माननीय मंत्री महोदय से भी बात हुई, उनके द्वारा आश्वासन दिया गया कि इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कोरोना वायरस के चलते